चुनाव का पहला दौर खत्म हो गया, दो दिन के बाद दूसरे दौर के लिए प्रचार थम जाएगा, लेकिन दूसरे दौर के प्रचार में पीएम मोदी के एक बयान को लेकर जोरदार हंगामा मचा हुआ है। यहां तक कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के बयान की शिकायत चुनाव आयोग से भी कर दी है। प्रधानमंत्री ने कल राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए उसके घोषणा पत्र पर फिर से सवाल उठाए। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस की सरकार थी तो कहा जाता था देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है और ये संपत्ति इकट्ठी करके उनको बांटेंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं, घुसपैठियों को बांटेंगे। पीएम ने यह भी कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है वो माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेगा और ये अर्बन नक्सल की सोच आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने अपने इन आरोपों को आज एक बार फिर से दोहरा दिया। अलीगढ़ में चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही तमाम आरोप कांग्रेस पर लगाए। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे रही है कि वो उसके घोषणा पत्र में मुसलमानों को संपत्ति बांटने की बात दिखा दें और इस बयान को लेकर कांग्रेस प्रधानमंत्री पर आक्रामक है, पीएम पर नफरत फैलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या चुनाव का दूसरा दौर ध्रुवीकरण की ओर? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितना धन है, उसकी जांच कराएंगे। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। मेरी चुनौती स्वीकार करें प्रधानमंत्री, हमारे घोषणा पत्र वो पृष्ठ दिखा दें, पेज दिखा दें जहां हमने कहा है सबसे इकट्ठा करके मुसलमानों में बांटते। अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी, क्यों करना है सर्वे को? कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही। नफरत और समाज में जहर दाग बोले, बहुसंख्यक आबादी जो है बेरोजगारी से, महंगाई से, गरीबी से त्रस्त हो चुका है। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। मंगल सूत्र कोविड के दौरान छिने थे, माफी मांगी प्रधानमंत्री ने देश की बहुओं से, बेटियों से, बहनों से। प्रधानमंत्री जी बताएं कि 10 साल उन्होंने क्या काम किए। मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है। हमारे मैनिफेस्टो में कहीं हिंदू मुस्लिम का जिक्र हो तो या तो हम राजनीति छोड़ देंगे और अगर जिक्र नहीं हो तो ये राजनीति छोड़ दें। चुनौती है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा एकदम सही कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम जांच करेंगे कि आपके वेल्थ की, आपके संपत्ति की, आपकी गहनों की, उसका मतलब तो यही निकलता है। हम तमाम बैठे हुए लोगों के लिए एक सीट बनना, एक सीट प्राप्त करना, एक एमपी बनना महत्वपूर्ण है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।